फ्रेंड, दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माई चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल बटन ऑल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ स्वीट एंड सॉर चिकन कॉर्न सूप। इट्स वेरी डिलीशियस एंड यम्मी एंड वेरी सिंपल रेसिपी। हम बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके चिकन कॉर्न सूप्स इंजॉय करते हैं, लेकिन जो टेस्ट, जो फ्लेवर हमने फूड स्ट्रीट में कॉर्न सूप्स में, स्वीट एंड सूप्स में मिलता है, फूड स्ट्रीट सूप जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। उनका टेस्ट जो होता है वो हमें कई कई दिनों तक याद रहता है। तो आज मैं आपके साथ चिकन कॉर्न सूप फूड स्ट्रीट स्टाइल में बनाना शेयर करूँगी। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बहुत क्रीमी सी ये रेसिपी होगी और हम इसे इंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसे लास्ट तक देखें सो दैट यू कैन मेक इट एंड इन्जॉय इट एट योर होम। जी, मैं यहाँ पे वन पॉट चिकन कॉर्न सूप रेडी कर रही हूँ। हमने वन पॉट में ही इसका स्टॉक बनाना है और उसमें ही सूप रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से वॉक में 10 to 11 ग्लास ऑफ वाटर रखा है स्टफ़ पे। स्टफ़ फुल फ्लेम में मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे मैं हाफ के जी चिकन इसमें ऐड करूँगी, चिकन बोन्स के साथ है, ताकि हमारी जो यखनी है, जो स्टॉक है, वो ज़बरदस्त सा बने, टेस्ट हो उसमें, टेस्टलेस ना हो। इसके साथ ही हम इसमें कुछ ऐड करेंगे वेजिटेबल्स फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। यहाँ पे पीस है मेरे पास, वन स्मॉल बॉल, वन बॉल कैबेज है, रफली चॉप्ड कैबेज है ये। साथ ही यहाँ पे 4 to 5 मीडियम साइज कैबेज रफली चॉप्ड है ये भी। कैरेट्स ये मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ ही इधर 2 tablespoon साल्ट ऐड करेंगे और 1 tablespoon शुगर ऐड कर देंगे हम, और साथ ही 1 tablespoon ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 cube मेरे पास चिकन स्टॉक है, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी 1 tablespoon ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएंगी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से कुक करना है कि ज़बरदस्त सा इसका स्टॉक रेडी हो जाए। हमने जल्दी या हड़बड़ी नहीं मचानी। 30 to 40 minutes या मैक्सिमम 1 hour हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से कुक करेंगे, ताकि हमारा सारा ये जो चिकन और वेजिटेबल है इसका अच्छे से स्टॉक रेडी हो सके। जी 40 minutes हो गए और हमारा ज़बरदस्त सा चिकन स्टॉक जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें से चिकन के पीसेस साइड पे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। चिकन श्रेड करके हमने डाल दिए है। अब हमने चेक कर लेना है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से घुल गई हैं, कुक हो गई हैं, नहीं हुई है अगर तो हमने इस तरह से ये मदानी है किसी भी चीज़ की मदद से कैरेट्स के जो बड़े पीस हैं उसको मैश कर देना, ताकि ये सूप में हमारे मुंह पे अलग से ना आए, सूप में अच्छे से मिक्स होके आए। जी अब हमने अपने सूप में ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मेरे पास 6 tablespoon कॉर्नफ्लोर है, जिसे हमने पानी में मिक्स करके इसका लिक्विडी सा मिक्सचर बना लेना है, और वो मिक्सचर हम स्लो स्लो ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे सूप। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। जी हम इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे स्लो स्लो। और सूप में हमेशा आपने जब भी बनाना है आपने एल्युमिनियम, आयरन या स्टील का स्पून यूज़ नहीं करना। इस तरह से आप जितना मर्ज़ी कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें, आपका जो सूप है वो गाढ़ा नहीं होता, वो पतला पानी ही रहता है। तो आपने प्लास्टिक या वुड का स्पून हमेशा यूज़ करना है, ये बात लाजमी याद रखिएगा। बहुत से लोग स्पून की वजह से परेशान होते रहते हैं, उनका सूप ठीक नहीं होता। तो ये हमारा सूप हो गया है ठीक। इसमें हम ऐड करेंगे मैक्रोनीज, बॉयल की हुई है मैक्रोनीज, ये हम इसमें ऐड कर देंगे।
वन बॉल के करीब मैक्रोनीज हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून हनी। साथ ही हम इसमें 2 एग तोड़ के अच्छे से विस्क करके डालेंगे। अब हम विस्क एग इसमें डालेंगे स्लो स्लो और इसे मिक्स करते जाएंगे। क्या ज़बरदस्त सा हमारा टेक्सचर आया है सूप का। फ्लेम मीडियम पे ही है। अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने वाइट वेनेगर ऐड करना है इसमें, साथ ही 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हमने इसे कुक करना है। 5 मिनट हम लो फ्लेम में इसे कुक करेंगे और उसके बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। आफ्टर 5 मिनट्स स्टफ कर दिया है मैंने ऑफ और हमारा जो सूप है फूड स्ट्रीट स्टाइल परफेक्टली रेडी है। ये देखें क्या ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर इसे करते हैं डिश आउट और इन्जॉय। जी फ्रेंड, हमारे फूड स्ट्रीट स्टाइल स्वीट एंड सॉर मैक्रोनी सूप जो है चिकन मैक्रोनी सूप बिल्कुल रेडी है और बहुत सिंपल इजी वे में। बिलीव मी ये बहुत डिलीशियस होता है और बहुत सिंपल बहुत इजीली रेडी हो जाते हैं। तो घर में बनाएं इसे और इन्जॉय करें दिस विंटर। और इफ़ यू विल लाइक दिस रेसिपी गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग ईजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।